आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लास्ट वीडियोस आई थिंक 2 or 3 वीडियोस में हमने बहुत सारी स्टडी की है, जिसमें कि हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सर्किट क्या होता है? अ क्लोज पाथ जिसमें कि करंट फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड सर्किट। ओके, फिर स्टडी की थी हमने आई क्या है इसमें। यस, अगर चार्ज क्यू है और टाइम टी लेता है तो करंट आई किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन टी के बराबर होगा, जिसे एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर दैट? ओके, फिर उसके बाद इसको मेज़र करने वाला, करंट को किससे मेज़र करते हैं? बाय द एमीटर इंस्ट्रूमेंट, इट्स कॉल्ड एमीटर। यस, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमेशा किसी भी कंडक्टर में सीरीज फॉर्म में लगाया जाता है। यू नो कंडक्टर, जब हम एक क्लोज पाथ क्रिएट करते हैं, सपोज जैसे कि एक बल्ब और दिस इज अमीटर के की और एक सेल से जोड़कर एक क्लोज पाथ क्रिएट कर, दिस इज कॉल्ड सर्किट। एमीटर हमेशा सीरीज फॉर्म में लगाया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए एक उसके दोनों सिरे में से एक सिरे पर फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, एक साइड कम होना चाहिए, तभी कोई चीज़ फ्लो करती है। लाइक दैट वाटर, वाटर को अगर स्टेबल रखोगे तो फ्लो नहीं करेगा, हल्का सा टेढ़ा करोगे तो फ्लो करने लगता है। लाइक दैट इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसे होता है, दो पॉइंट्स, दो सिरों, दो पॉइंट्स के बीच लगने वाला जो लगने के कारण उसमें करंट फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वी से डिनोट करते हैं। यस, इसकी मेजर करने की यूनिट होती है वोल्ट, वी से रिप्रेजेंट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? करंट एज अ वर्क डन टू मूव एक यूनिट चार्ज यानी क्यू चार्ज को पूरे सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दैट्स इट। इसे मेजर किसे करते हैं? वोल्ट मीटर से, जो कि हमेशा पैरेलल फॉर्म में लगाया जाता है। हम बच्चों साथ साथ छोटा सा रिविजन भी कर रहे हैं, राइट? सर्किट का डायग्राम, सर्किट को डायग्राम, भाई हम अगर सर्किट इस टाइप से तैयार किए, बल्ब दिखाएं, अलग दिखाएं, तो बहुत मुश्किल आता है। इसलिए क्या, हम कुछ सिंबल्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स लिए गए, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल को दो स्टिक्स हैं इस टाइप से, एक छोटी है एक बड़ी है, बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से बैटरी, इस टाइप से कुछ सिंबल्स हमने पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ या क्या है? वी इक्वल टू आई आर, या V अपॉन I इक्वल टू R। यस, दिस इज द ओम्स लॉ। मतलब किसी भी सर्किट में V और I पोटेंशियल डिफरेंस और A करंट, I करंट का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है, जिसे हमने R से रिप्रेजेंट किया। यस, R एक कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे फ्रिक्शन नहीं होता, कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स वर्क करती है, जिस कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो एक पावर है जो कि उस करंट को फ्लो करने से रोकने की कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर दैट? देन वी अपॉन आर इक्वल टू आई, या आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें पढ़ा था हमने फैक्टर्स, रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सिंपल फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसी फॉर्मूले से पता लगाते हैं आर किस किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एल लेंथ पर, कंडक्टर जितना लंबा होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ए मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन उसकी मोटाई, जितनी ज़्यादा होगी आर उतना ही कम होगा, और जितनी कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रो क्या है? किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, उसे कहते हैं रो, उसके प्रोपोर्शनल होती है। दिस क्लियर? चलिए इसके बाद हमने पढ़ा था सीरीज सिस्टम, रेजिस्टर्स को सिस्टम में कैसे लगाते हैं और कैसे उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। इसके लिए हम दो फॉर्मूले यूज़ किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ते चले जाते हैं। जैसे हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड के रेजिस्टेंस को फर्स्ट के लास्ट सिरे से, और ऐसे सेकेंड सिरे सेकेंड वाले रेजिस्टेंस को थर्ड रेजिस्टेंस के किससे, रेजिस्टर के फर्स्ट सिरे से जोड़ा। इस टाइप से हमने सीरीज फॉर्म में जोड़ा है। इस साथ वोल्ट मीटर पैरेलल फॉर्म में लगाया जाता है। ठीक है, इसमें हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमने ध्यान दिया कि अगर सीरीज फॉर्म में लगाया जाता है तो करंट हमेशा, अगर
रेजिस्टर्स को सीरीज फॉर्म में लगाया जाता है तो करंट हमेशा स्टेबल रहता है, निश्चित रहता है, बस वोल्ट क्या वोल्ट मीटर की वैल्यू अलग अलग होती है, वोल्ट मीटर की वैल्यू अलग अलग होती है, दैट इज क्लियर। इसके अकॉर्डिंग टोटल है V इक्वल टू आई आर, ओम्स का लॉ है, तो V की वैल्यू क्या होगी, टोटल जितने भी वोल्ट मीटर लगेंगे उनकी वैल्यू के बराबर होगी। देन इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में प्लेस करते हैं V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, देन V की वैल्यू आई आर, V वन की वैल्यू आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, आई तीनों में कॉमन लेने पर दोनों साइड से आई कैंसिल, आर इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री। मीन सीरीज फॉर्म में टोटल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टर्स यूज हो रहे हैं उनके टोटल सम के बराबर होता है, इज इट क्लियर। सेकेंड है पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके एक सिरे को एक पोल से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को दूसरे पोल से जोड़ा जाता है, एक ही वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। दैट्स मीन इस सिस्टम में जब सीरीज में जोड़ा था तो आई इक्वल था पर वोल्टेज की जो वैल्यू थी वो अलग अलग थी, पर इसमें क्या है वोल्ट मीटर की वैल्यू एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है पर आई की वैल्यू तीनों में अलग अलग होगी। इसके अकॉर्डिंग हमने किया आई की वैल्यू आई वन आई टू आर थ्री आई थ्री, टोटल आई होगा वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर वन, भाई फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए आई की वैल्यू वी अपॉन आर वन, सेकेंड रजिस्टर्स के लिए वी अपॉन आर टू, थर्ड के लिए आर वी अपॉन आर थ्री, तीनों को एक साथ रखा गया, वी तीन साइड कैंसिल हो गए, आंसर इज वन अपॉन आर। टोटल रजिस्टेंस जितने भी रजिस्टर्स यूज किए गए हैं उनके रजिस्टेंट के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, मीन आई आर इक्वल टू वन अपॉन आई आर वन प्लस वन अपॉन आई आर टू एंड वन अपॉन आई आर थ्री। क्लियर बच्चों? फिर इसके पास बढ़ना है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तो हीटिंग इफेक्ट आता है, येस और नो? जैसे कि हीटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन है फ्लो किया जाता है तो क्या होता है करंट फ्लो होता है। चलिए मान लेते हैं करंट आए किसी भी सर्किट में, करंट आए फ्लो कर रहा है, रजिस्टेंस है आर, पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो टी टाइम के लिए क्यू चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है तो वर्क डन, वर्क कितना गया भाई, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी भाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसके अकॉर्डिंग क्यू अपॉन टी थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस, देन वर्क डन इन क्यू थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू वी क्यू, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी, भाई वर्क और एनर्जी बात तो एक ही है। इसके अकॉर्डिंग जो किसी भी सोर्स में सप्लाई हो रही है एनर्जी की वो हो जाती है वी क्यू के बराबर इन टाइम टी टाइम में। इस प्रकार से पावर होगी सर्किट में बाय द सोर्सेस पी इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी या वी इक्वल टू आई, क्योंकि आई क्या है, आई बराबर होती है क्यू अपॉन टी के, देन वी इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई, इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे और सम्स निकालेंगे, राइट। देन अब हम बात करेंगे हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, हीट इक्वल टू वी आई टी भाई एनर्जी सप्लाई हो रही है सर्किट में बाय द सोर्स टी टाइम में पी मल्टीप्लाई बाई टी, पी टी के बराबर हो रही है, पी टी के बराबर हो रही है, देन इज वी आई टी, देन एच इक्वल टू वी आई टी, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक रहता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, हम कहाँ कहाँ पर टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिक ओवन में, इलेक्ट्रिक कैटल में, हीटर में, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, ओके। देन इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई आर स्क्वायर एंड वी स्क्वायर पावर, क्योंकि वी आई में आई को अगर चेंज कर देते हैं, इसमें देखो वी आई है राइट, वी आई को चेंज करके आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर में चेंज किया जा सकता है, कैसे भाई, पी इक्वल टू वी आई है, ठीक है, हम क्या करते हैं वी को चेंज करते हैं, वी क्या होता है आई आर के बराबर, तो वी की जगह रख दें आई आर और आई की जगह आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर के बराबर, दैट्स क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। वी स्क्वायर आर कैसे ला सकते हैं, भाई पी इक्वल टू वी आई है तो आई को चेंज कर देते हैं, आई को करेंगे वी अपॉन आर में चेंज, देन आंसर इज वी स्क्वायर अपॉन आर, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तीनों फॉर्मूले सेम है, बस इनके जो पॉइंट्स है इन्हें हम चेंज करके इन फॉर्मूलों को प्लेस कर सकते हैं अपने सम के अकॉर्डिंग, ओके।
देन नाउ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होती है डब्ल्यू के बराबर. वॉट कहते हैं पोटेंशियल कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरी वन एम्पियर और वोल्ट वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो वॉट इक्वल टू वन वोल्ट एम्पियर के बराबर, वन वोल्ट एम्पियर के बराबर होगा. और अगर इसे किलोवाट आर में दें, किलोवाट आर में, तो 100 वॉट मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड के बराबर होगा. देन 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है. दैट्स इट. ये आप क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको सम निकालते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.